यहाँ क्या लिखा है? इंडियन फॉर 50। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ गए नालंदा यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। इसके अंदर हम आपको पूरा टूर कराने वाले हैं, ठीक है? आ जाइए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं गाइडर भी है, मैं गाइड कर रहे हैं। पूरा टूर कराने वाले, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स गो। यहाँ की देखो हिस्ट्री बहुत तगड़ी है, ठीक है? जिसको पता है, ठीक है, जिस कॉलेज के बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे, ठीक है, मैं आप आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको इसकी हिस्ट्री क्या, जो यहाँ के क्या चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इस कॉलेज को फेमस करती थी। गाइस, तो अभी हम लोग हैं कुएं के पास, ठीक है? ये जितनी जगह देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में कॉलेज है, ठीक है? एक जैसे हमारे कॉलेज में OIT वैसे कोई एक सिस्टम यहाँ पे बनाया है। और ये कुआं है, कुआं में पानी है, पानी नहीं है, इतना गहरा भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सभी लोग जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग यहाँ पे पानी पीते थे ना, करण जी यहीं से पानी पीते थे। लेकिन अभी इस कुएं में सिर्फ कचरा है और कुछ नहीं है। बाकी पूरा देखो, जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, खंजर बन चुका है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे तीन सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, ठीक है, जहाँ पे 9 मिलियंस बुक्स थे, ठीक है, जो कि 6 महीने तक जलते रहते थे। जलने की क्या हिस्ट्री थी मैं आपको बताता हूँ। क्या नाम था यार? बख्तियारपुर है ना, बख्तियार खिलजी। हाँ, बख्तियार खिलजी। तो वो अपना इलाज करवाने के आए थे, तो यहाँ पे कोई संत या कुछ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि मेरा इलाज करो तुम, बिना मुझे कुछ छुए या मुझे कुछ करना ना पड़े, ना मुझे कुछ खाना पड़े। तो जो यहाँ के एक संत थे, जो यहाँ के स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक किताब दी थी, उसके अंदर ना उन्होंने दवाइयाँ लगा दी थी सब पेज पे, और वो उनको बोला था कि आप ये किताब पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे इसे, खिलजी को कहा था। तो खिलजी ने ये किताब पूरी पढ़ी और उससे क्या उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने पूछा कि ये आपने कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि जो आप ग्रंथ पढ़ रहे थे, जो आप किताब पढ़ रहे थे, उस हर एक पन्ने में दवाई लगी थी। तो जो आप जैसे पढ़ते थे, थूक लगाते थे, तो उससे आप थोड़ी थोड़ी दवाई मुंह में जाती थी और आपकी तबीयत ठीक हो गई। जिसकी वजह से ये चीज़ जान के उन्होंने खिलजी मुस्लिम ने क्या किया था, जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जितनी लाइब्रेरी थी ना, सब जला दी थी। अभी काला काला सब पड़ा हुआ है, देख लो अभी भी। देख लो भाई, सबूत भी है उधर से ज्यादा है, ये देखो काला काला है, देख सकते हो कितना ऐसा काला उधर नहीं। चलो तो आगे की हिस्ट्री आगे बताते हैं। ये सब जो देख रहा है ना, ये सब जो चबूतरा है ना, इस पर एग्जाम दिया करते थे लोग। क्या बात है, अकेले बैठ के। ये पता कि 8वीं 9वीं सदी की वो है, मतलब 1600 पहले, मतलब 1600 हो गए होंगे, 1600 ईयर पहले इन्होंने एक कॉलेज बना था, ये वाला नालंदा यूनिवर्सिटी, समझ सकते हो, मतलब 7वीं 8वीं सदी में ये कॉलेज बना था। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत और पांडव, पता नहीं क्या क्या मुगल लोग, बहुत लोगों ने पढ़ाई की है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 450 ईस्वी में, और यहाँ पे 300 कमरे, 7 बड़े बड़े जो कक्ष थे, और 9 मंजिली सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी थी यहाँ की, वो फेमस थी, जहाँ पे बहुत 9 मिलियन के करीब किताबें थी। और ये कम से कम 450 के करीब एकड़ में ये कॉलेज पूरा फैला हुआ है, यूनिवर्सिटी फैला हुआ है। और आप देख सकते हो व्यू कितना शानदार है इस कॉलेज में। अगर सोचो, अगर कॉलेज आज ये होता प्रेजेंट में तो। एंड इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे बिल्कुल फ्री था, यहाँ पे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था। यहाँ पे जितने लोग पढ़ते थे, जितने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे, सब कुछ फ्री था। क्या पढ़ रहा था करण? पढ़ रहे थे वही जो बोर्ड में लिखा हुआ था, हिस्ट्री। भाई यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे, 2,000 टीचर्स, और बाकी सब कुछ फ्री था कॉलेज में। जितने बच्चे पढ़ते थे, जितने स्टूडेंट पढ़ते थे। पुराने ज़माने का ट्रेन देख लीजिए, ये शायद मैथ का खाना आता होगा इसमें पूरा। अगर सोच ले करण, दोबारा इस कॉलेज को बना दिया जाए तो फिर मत कहना ली बात ही नहीं है यार, कुछ यूनिवर्सिटी हो जाएगी नालंदा में। लेकिन ना ये बन नहीं पाएगी, कि यहाँ की आपको पता नहीं होगा कि जो यहाँ पे किताबें थी ना, वो कहीं पे नहीं थी, मतलब वर्ल्ड से, दुनिया से भर भर के लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किताबें बहुत अलग थी, ठीक है? और जो किताबें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, वो तो दोबारा नहीं बन सकती। तो अभी हम जा रहे हैं कि उस तरफ लाइब्रेरी देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे वो लाइब्रेरी है, देखते हैं एक आधी किताब मिल जाए मेरे को मेरे सेमेस्टर की। इस कॉलेज को कितना ज़्यादा मेंटेन करके रखा गया है, देखो आप साफ़ सफाई देखो इस कॉलेज में, पूरा एकदम साफ़ किया है। अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है अभी। और बहुत मतलब अलग अलग लोग से आए हैं, मुझे लग रहा है एक दो चाइना से भी आए हैं, चाइनीज़ बोल रहे। देखो आप ध्यान से, देखा आपको
ये दो हैं, ये खुद आपस में ब्लॉग बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं। आंटी आगे जाती हैं, अंकल खड़े रह के बढ़िया ब्लॉग बना रहे हैं। सही चीज़ है ये भाई, ये देखो जमाना होगा भाई, जो लोग यहाँ पे पढ़ते होंगे, ठीक है, मतलब सोच सकते हो कि वर्ल्ड का सेकंड कॉलेज था। जिस जगह पे है ना, ये है लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पे बुक्स वगैरह हुआ करती थी। इधर चले, इधर इधर चलो ना, कुछ है भी नहीं इधर, पूरा खंजर है, खंडर है, खंडर बिल्कुल। ये देखो, ये पूरा, ये जितने आप देख रहे हो ना रूम, इस सब में किताबें थी। अब सारी जगह यहाँ पे देखो, सोच रहा मतलब किस जमाने का ये कॉलेज हो गया। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म, जो टूरिस्ट होते हैं, गाइड होते हैं, वो बता रहे हैं चीज़ों के बारे में। पूरी लाइब्रेरी है भाई, एरिया एक लाइब्रेरी का है पूरा, ठीक है। हाँ खर मतलब टाइम लेके पूरा ही लाइब्रेरी है भाई, ये देख लो भाई। थे सारे पुत्र उनके याद में बना गया वो स्तूपा, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर को देखते हुए फ्रॉम दिस वे नाउ वी आर हियर, तो आते हैं लेफ्ट इस तरफ। भाई पूरा जुगाड़ लगा के आया, ठीक है, हमने एक टिकट लिया है, टिकट दिखाऊं आपको, टिकट तुम्हारे पास है, टिकट मेरे पास है, इसके पास टिकट है, टिकट है, आदमी दो है, हम लोग भी जुगाड़ी आदमी है। ये जुगाड़ लगाया है भाई, अब देखो हम लोग बाहर कैसे जाएंगे, फिलहाल तो हम लोग अभी अंदर है। और ड्रेन बना दी, और जो कंक्रीट आप देख रही हैं, ये डोर हो गई, दरवाजा, साथ ही साथ एक कमरा दूसरे कमरा से इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, तो 34 रूम, तो 34 स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल से फिलॉसफी का स्टूडेंट्स, तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट होगी सर, इधर देखिए उसमें जूनियर और उसमें सीनियर, क्योंकि इसमें डोर नहीं, इसका डोर वहाँ, उसका डोर कॉरिडोर में, उसका कॉरिडोर में, उसका सामने, और इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो इधर से देखिए ना मैडम, इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो दिखाई दे रही है वो 580 का लेक्चर हॉल। तो मैडम ये गुप्ता डायनेस्टी हो गई, हर्षवर्धन पीरियड आया, तो फिर मैंने बोला कि नेचुरल बिल्डिंग टूटी, उसको मिट्टी से कवर्ड कर दिया इसको। देखो गाइस यहाँ पे सभी प्लेसेस की फोटोज लगी हुई है, टेम्पल्स नंबर 12 एंड अबाउट लाइक स्टब्स। ये देखो कॉलेज का व्यू, देखो खेत वगैरह भी है, अभी भी ये पहाड़ वहाँ पर है। फोर चैम्बर्स सिलेम्टेंस फॉरेंस, पूरा देखो यहाँ पे सब कुछ, पूरा पोस्टर लगाया गया है, हर चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है। नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी को पहले नालंदा महाविहार कहा जाता था। टाइम की फ़ोटो है जहाँ जिस टाइम ये कॉलेज बन रहा था, 1924 to 1925। गाड़ी 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 गाड़ी, चलो गाइस तो चलते हैं वापस।